हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन रिकॉर्डिंग वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूं अपनी एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक की, मतलब गलती की। गलती तो है या नहीं वो तो अभी डाउन द लाइन पता चलेगा, लेकिन मैंने खरीद लिए हैं दो नए आईफोन्स। मतलब यहां पर हमारे पास है लेटेस्ट आईफोन XS, XS Max या फिर आईफोन XS और XS Max, जो इस साल के लेटेस्ट आईफोन्स हैं। और अगर मैं बात करूं गलती की, तो दोस्तों ये होता है ना कि आप लोगों में से मेजॉरिटी ऑफ द यूज़र्स हमारे है यंग जनरेशन, मतलब जिसकी एज ग्रुप है 16 साल से लेके 30 इयर्स तक। और आप में से काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई एंड्रॉयड में सिर्फ सस्ते ही फ़ोन है, ये बात नहीं है। मैं पर्सनली एंड्रॉयड फ़ोन ही यूज़ करता हूं हमेशा। और इसके पीछे रीज़न ये है कि यहां पर हमें कंप्लीट कंट्रोल मिलता है, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। जहां पर अगर मैं बात करूं आईफोन की, तो बेसिक चीज़ें भी बहुत बार मिसिंग होती है। एक फाइल किसी को ट्रांसफ़र करनी है, एक सरदर्द शुरू हो जाता है। हाँ, अगर आप एक बार iOS इकोसिस्टम को पसंद करते हैं, फिर तो मतलब इसके ऐसा कोई इकोसिस्टम हो नहीं सकता है। लेकिन ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अभी भी नहीं लगता है कि Apple iPhones वुड बी द बेस्ट। लेकिन anyway, अभी मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ एक सुपर क्विक अनबॉक्सिंग, आपको दिखा दूंगा इस फ़ोन के सारे फीचर्स। लेकिन एज यूजुअल दिस इज़ माई मिस्टेक। आप लोग बताइए दोस्तों कि क्या लगता है आपको, मुझे रखने चाहिए दोनों फ़ोन या फिर डाउन द लाइन मुझे करना चाहिए किसी का गिव अवे, या फिर मैं प्रॉब्ली एक फ़ोन को बेच दूँ और एक फ़ोन को रखूँ। क्योंकि मेरा प्लान ये है कि मैं इस साल काफ़ी सारे ऐप कवरेज करूँगा, काफ़ी सारे फ़ोन के फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूँ इस साल। तो मे भी उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट करते रहूँगा इस चैनल के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हम इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग से। और यहाँ पर जैसे आप बॉक्स के ऊपर देखेंगे, तो आपको एक अलग काइंड ऑफ वॉलपेपर दिया हुआ है। स्मार्टली यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो इस फ़ोन के ऊपर आपको मिल जाएगा एक नॉच। लेकिन इन्होंने डिज़ाइन ऐसी बनाई है वॉलपेपर की, आपको पता ही नहीं चले कि नॉच है नहीं है। ऐसे लगेगा कि फुल व्यू डिस्प्ले मिल जाएगा इसके अंदर। इनफैक्ट यहाँ पर आपको लगेगा कि ये धरती है, मतलब अर्थ है। लेकिन फन फैक्ट, ये एक वाटर बबल है जिसके ऊपर आपको कलर दिया हुआ है। अब चलिए हम पैकेज के कंटेंट्स की बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहले बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है आईफोन XS गोल्ड 64 GB असेंबल्ड इन चाइना, डिज़ाइन बाई एप्पल इन कैलिफोर्निया। मतलब दोस्तों, जो इतने सालों से हम लोग स्टोरीज पढ़ते आए हैं कि इंडिया में बनने वाला है, इंडिया में बनने वाला है, ये अभी भी चाइना से ही आया है। हालांकि यह है इंडियन रिटेल यूनिट, जो मैंने खरीदा है 99,900 रुपये में। और अगर हम बात करें XS Max की, तो इसकी MRP है 1,09,900 रुपीज़। अगर हम बात करें दोनों फ़ोन के फीचर्स की, तो टेक्निकली काफ़ी सारे फीचर्स सिमिलर है, लाइक सेम प्रोसेसर सब कुछ एक्सेप्ट डिस्प्ले साइज। तो ये है 64 GB वेरियंट, और ये है बॉक्स की सिक्योरिटी रैपिंग निकालना। और जैसे आप इसको निकालोगे, आप जो ध्यान दोगे कि यहाँ पर कोई स्टिकर विकर कुछ नहीं लगा हुआ है। और पहली चीज़ आपको जो मिलेगी वो लिखा हुआ है डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। और सबसे पहले जो मिलेगा वो है ये दो एप्पल के स्टिकर्स। इसको आप अपने कार के ऊपर चिपका सकते हैं, लैपटॉप के ऊपर चिपका सकते हैं, क्योंकि आप तो बड़े फैन बॉय होंगे, क्योंकि आपने इतना महंगा फ़ोन खरीदा है तो ब्रैगिंग करना ज़रूरी है। लेकिन उसके अलावा आपको मिल जाता है एक सिम कार्ड एजेक्टर पिन, और इसके अलावा दो छोटे छोटे पेपर्स और एक फ़ोन का ओवरव्यू। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए कितना बड़ा नॉच है, मतलब ये जो क्लियरली यहाँ पर छुपाया गया है, मतलब ब्रैगिंग करने के लिए लोगों को लगेगा इतना बड़ा डिस्प्ले दिया हुआ है, लेकिन इन रियलिटी यहाँ पर बड़ा सा एक नॉच है। और ओवरऑल बटन्स के ऑप्शंस दिए हुए हैं, और एक रीडिंग मैनुअल जिससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और फाइनली है हेलो, और ये है नया आईफोन, मतलब 1,00,000 रुपये का आईफोन, और ये है गोल्ड कलर एडिशन। अगर हम बात करें फिजिकल ओवरव्यू की, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम निकालते हैं ये स्पेशल रैपिंग, जिसके अंदर ये 1,00,000 रुपये का नया फ़ोन छुपाया गया है। और एक्चुअली ये प्रीमियम फ़ोन लगता ही है, नो डाउट अबाउट दैट। अगर हम बात करें फिजिकल ओवरव्यू की, तो यहाँ पर आपको पीछे की तरफ ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप मिल जाएगा, और एक माइक्रोफोन और एक LED फ्लैश, एप्पल का लोगो और आईफोन ब्रांडिंग नीचे की तरफ। और उसके अलावा फ्रंट साइड में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 5.84 इंचेस का फुल व्यू डिस्प्ले, लेकिन एक बहुत बड़े नॉच के साथ। अगर हम बात करें साइड्स की, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे ऑन ऑफ स्विच जो इतने बड़े से है, और सिम कार्ड के स्लॉट, और उसके अलावा लेफ्ट के साइड में मिल जाएंगे वॉल्यूम रॉकर्स, और एक टॉगल जिससे आप फ़ोन को मतलब वाइब्रेशन मोड या फिर साउंड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये एक एक्चुअली अच्छा फीचर जो मुझे अपने एंड्रॉयड के वन प्लस के अंदर भी पसंद आता है। यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरी चीज़ों की, तो नीचे की तरफ आपको मिल जाते हैं स्पीकर ग्रिल और एक इनका लाइटनिंग पोर्ट, और ऊपर की तरफ कुछ नहीं है। मतलब बेसिकली फ़ोन में जगह तो लग रही है, लेकिन इन्होंने वॉन्टेडली डोंगल बेचने के लिए यहाँ पर 3.5 जैक भी निकाल दिया है। अब चलिए हम रखते हैं इसको साइड में,
और दिखाते हैं सबसे छोटू सा पावर एडाप्टर जो मैंने इस साल देखा है। यह है इसका एप्पल का प्रोप्राइटरी छोटा सा एप्पल पावर एडाप्टर, और जिसके अलावा हमें मिल जाएंगे ईयरफोन्स। अब यहाँ पर यह है ईयरफोन जिसके अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलता है डायरेक्टली इसको कनेक्ट करने का 3.5 हेडसेट से, मतलब आपको ये वाले सिर्फ चलेंगे लाइटनिंग पोर्ट से। अगर आपको दूसरे फ़ोन में यूज़ करना है तो फिर से आपको इसके लिए अडेप्टर खरीदना पड़ेगा। चलिए, ये था इस प्रोडक्ट का पैकेज, और इसके अलावा आपको फाइनली मिल जाएगा एक लाइटनिंग केबल इस बॉक्स के अंदर। सो टेक्निकली ये है पैकेज कंटेंट। अब चलिए हम बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इस फोन के अंदर आपको मिल जाता है सुपर एमोलेड कैपेसिटी टच स्क्रीन जो है 5.84 इंचेस के साथ, और इसके अलावा आपको रेजोल्यूशन मिल जाता है 1125x2436 का। ये एक स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास है, और यहाँ पर आपको मिल जाता है वाटरप्रूफिंग, मतलब इस बार आपको एप्पल दे रहा है IP68 की वाटरप्रूफ रेटिंग। अगर हम बात करें दूसरी चीजों की, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 4GB का रैम, और मेरे पास जो वेरियंट है उसका वेरियंट है 64GB। और अगर हम बात करें कैमरा सेटअप की, तो यहाँ पर आपको फ्रंट में मिल जाता है 7 मेगापिक्सल का कैमरा ₹1,00,000 के फोन के अंदर, और ड्यूल रियर कैमरा सेटअप जहाँ पे आपको मिल जाते हैं 12+12 मेगापिक्सल का सेटअप, जहाँ पे एक कैमरा है वाइट और दूसरा सेंसर है टेलीफोटो लेंस। और अगर हम बात करें दूसरे चीज़ों की, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है लेटेस्ट ब्लूटूथ जो है ब्लूटूथ 5.0, और बैटरी की बात की तो यहाँ पर आपको मिल जाती है 2658 mAh की बैटरी जो है बहुत ही कम अगर हम बात करें दूसरे स्मार्टफोन के कंपैरिजन में। यहाँ पर हम करते हैं स्मार्टफोन का सेटअप कंप्लीट फटाफट से, और फिर आपको लेके जाएंगे दूसरे इस फोन के होम स्क्रीन के ऊपर। और हो गया है सेटअप कंप्लीट, और ये रहा फर्स्ट होम स्क्रीन जहाँ पर सारे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस आपको क्लियरली दिखेंगे। इनफैक्ट कुछ ज़्यादा ही एप्लीकेशन दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर मुझे वॉच ऐप नहीं चाहिए क्योंकि मैं कभी यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मेरे पास एप्पल वॉच है भी नहीं, तो कोई सेंस नहीं बनता इन सारे ऐप्स को प्री इंस्टॉल रखो। गैरेज बैंड एक और ऐप है, लेकिन चलिए हम निकालते हैं इसको यहाँ से और जाते हैं सेटिंग्स के अंदर। और यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर आप देख सकते हैं कि पहली चीज़ ये है कि 64GB में से 52.73GB अवेलेबल है आउट ऑफ द बॉक्स, और यहाँ पर एप्पल का जो चिपसेट है वो है इनका A12 लेटेस्ट बायोनिक चिपसेट जो काफ़ी पावरफुल है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे लेफ्ट लाइफ में, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जैसे कि करंट वेदर इन्फॉर्मेशन, स्क्रीन टाइम मतलब कितनी देर से फ़ोन चल रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो दिखना भी चाहिए कि आपको एटलीस्ट आइडिया रहे कितना फ़ोन आप यूज़ करते हो डे बाई डे। मैप्स है, स्टॉक अलर्ट्स है, बेसिकली ये विजेट्स है, लेकिन एंड्रॉइड की तरह वेल आप यहाँ पर जगह बची तो एक विजेट ऐड कर लो, वैसा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं स्मार्टफोन के कैमरा की, क्योंकि ये कैमरा इस फोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हम एक फोटो लेके देखते हैं कि इस फोन का फोटो कैसे आता है। यहाँ पर मैंने दो फोटो खींचे हैं, एक है पोर्ट्रेट मोड के अंदर और एक है नॉर्मल पिक्चर। और वेल, मुझे लगा कि नॉर्मल पिक्चर ही बहुत ही फटाफट और बोके के साथ आया, लेकिन पोर्ट्रेट मोड को बहुत पंगे हो रहे थे शूट करने के लिए, वो बोलते हैं पीछे हटो। लेकिन नो डाउट कैमरा तो इसका काफ़ी बढ़िया होने ही वाला है, नो डाउट। ये है नेचुरल लाइट के अंदर एक फोटो जो आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपको नेचुरल लाइट के अलावा मिल जाएंगे स्टूडियो लाइट जहाँ पर लाइट फिल हो जाएगी रूम के अंदर, स्टेज लाइट जहाँ पर एक नया फीचर है ये नेचुरल लाइट के अलावा। आई थिंक मैं फ़ैन हो सकता हूँ स्टूडियो लाइट का। और यहाँ पे फोटो कुछ इस तरह से आया है, डिटेल्स तो डिसेंट है, ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही शार्प है। अगेन लाइटिंग भी यहाँ पर इस रूम में टफ है, लेकिन ये है इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग। अगर हम बात करें आईफोन XS मैक्स की, तो ये रहा इसका रिटेल पैकेज, और मैं निकालता हूँ इस पैकेज में से इस फ़ोन को बाहर, और फॉर सम रीज़न यहाँ पे इस प्लास्टिक को छोड़ने नहीं वाला है, लेकिन कंटेंट सारे सेम है। मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ ये स्मार्टफोन। तो ये रहा आईफोन XS मैक्स और ये है आईफोन XS, और आप लोग देख सकते हैं ओवरव्यू के हिसाब से, मतलब फिजिकल ओवरव्यू के हिसाब से, कि दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन कितना बड़ा है। एक्चुअली ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बढ़िया एक्सपीरियंस के लिए आप ये मैक्स को ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं ओवरऑल वन हैंड यूसेज के हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी बड़ा है। अगेन अगर मैं कंपेयर करूं मेरे वन प्लस 6 के साथ, तो इतना भी खास ज़्यादा बड़ा नहीं है अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों फ़ोन्स को, लेकिन फिर भी यार मतलब आपको लगेगा ही बड़ा। अगर आपको वन हैंड से यूज़ करने के लिए कॉम्पैक्ट फ़ोन चाहिए, तो आई थिंक आई वुड रिकमेंड यू द आईफोन XS। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स ये भी सुनने में आई कि इसका कैमरा भी बेटर है, इसे अगेन हम कंपेयर करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये थी हमारी अनबॉक्सिंग, और बस इतना सही दोस्तों, ये है लेटेस्ट
आईफोन। सो ये था एक अनबॉक्सिंग और मेरे इनिशियल ओपिनियंस इन दोनों नए आईफोन्स को लेकर। हालांकि अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से आईफोन XS मेरे लिए एक बेटर स्मार्टफोन रहेगा इन टर्म्स ऑफ द फॉर्म फैक्टर और जो साइज है उसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरी चीज़ों की तो दोस्तों मैं खुद कन्फ्यूज हूँ कि मैं दोनों फोन्स का तो कुछ नहीं करने वाला हूँ। आप लोग बताइए क्या करूँ मैं इन दोनों में से, एक फ़ोन को मैं क्या वापस दे दूँ स्टोर में, कोशिश करूँ एटलीस्ट देने की, या फिर मैं करूँ एक आईफोन XS मैक्स का गिव अवे डाउन द लाइन। इट डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ यू। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक नए आईफोन की तो दोस्तों यहाँ पर आईफोन XS मैक्स अगर आप खरीदना चाहते हो और अभी भी आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इस प्राइस के अंदर आपको मिल जाएगा एक वन ऑफ द बेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन जो हो सकता है OnePlus 6T में भी जो आ रहा है दो हफ्ते के अंदर, या फिर उसके अलावा आप ले सकते हैं एक लेटेस्ट शॉमी का 55 इंचेस टीवी जो पीछे की तरफ देख रहे हो, और उसके साथ एक गेमिंग कंसोल में भी एक्सबॉक्स लेटेस्ट या फिर PS4, तीनों की प्राइस मिला के भी 110,000 के अंदर मिल जाती है। तो बेसिकली आपको एंटरटेनमेंट मिल जाएगा, लेटेस्ट फ़ोन भी मिल जाएगा और इतना महंगा रिस्क लेने वाली चीज़ नहीं लेनी पड़ेगी। एटलीस्ट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है उन लोगों के लिए। जी देखिए, दो लोगों की कैटेगरी के लोग होते हैं, एक जो वो जो डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे को आईफोन ही खरीदना है शो ऑफ करने के लिए, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी कैटेगरी जहाँ पर उनको लगता है कि यार एप्पल इज़ दी बेस्ट, वो लोन लेकर अपने मम्मी पापा को बहुत समझा कर फ्रेंड से पैसे लोन की तरह लेकर या फिर EMI में फ़ोन खरीदते हैं, मैं उनको तो एटलीस्ट रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये लेटेस्ट आईफोन खरीदें। क्योंकि अगर आप आईफोन ही खरीदना है तो आईफोन 10 खरीद लीजिए, XS या XS मैक्स तो सेंस नहीं बनता है फिलहाल के लिए। और उसके अलावा अगर आप एंड्रॉयड ही यूज़ करते हैं तो आई थिंक ये एंड्रॉयड लेटेस्ट एंड्रॉयड प्लस ये टीवी प्लस एक गेमिंग कंसोल आई थिंक वो एक बेटर ऑप्शन आपके लिए देगा। प्लस दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं क्या करूँ, डाउन द लाइन कोई गिव अवे लेके आऊँ, या फिर आप भी खुश है कि यार हम लोग पैसे बचाते हैं और बेटर गिव अवेज लेके आते हैं जहाँ पर मैं आपको लेके आ सकता हूँ उसी प्राइस पॉइंट के ऊपर 4 OnePlus 6 अपकमिंग टी का गिव अवे। बस इतना सा दोस्तों, आप लोग अपने फीडबैक दीजिए, आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए और आप लोग भी बताइए कि मैं क्या करूँ मैं भी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ उसके साथ साथ आप लोगों का फीडबैक भी लेता हूँ, तो इट्स अ टू वे प्रोसेस। तो आप लोग अपना फीडबैक शेयर कीजिए और मैं मिलता हूँ आपको हमारे अगले वीडियो में। बस इतना सही दोस्तों, मैं हूँ अमित और